हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने यूकेजी हिंदी वर्कशीट लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बताऊंगी कि स्वर व व्यंजन, बच्चों को स्वर और व्यंजन में अंतर कैसे बताया जाएगा। सबसे पहले आता है इसमें स्वर। स्वर क्या होता है? जिनकी मात्राएं लगाई जाती हैं। बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है। जैसे मैंने इसमें बताया हुआ है, लिखा हुआ भी है उनके सामने कि अ आ ई ई उ उ। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे इसमें अ की जो अ होता है उसमें कोई मात्रा नहीं होती, और बड़ा आ से आम जो होता है उसकी एक आ की मात्रा होती है, छोटी से इमली तो छोटी मात्रा होती है, बड़ी इसे ईंख बड़ी मात्रा होती है, छोटे उसे उल्लू छोटे ऊ की मात्रा होती है, और बड़े उसे ऊन बड़े ऊ की मात्रा होती है। तो आप इस तरीके से स्वर के जितने भी स्वर हैं उनकी सबकी मात्राएं लिखकर बच्चों को उनके सामने समझाने के लिए उन्हें लिखें, जिससे कि उन्हें ये पता चले कि ये मात्राएं क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजन जिन पर मात्राएं लगाई जाती हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ व्यंजन लिखे हैं, कै कबूतर, कै खरगोश, कै गमला, जय जहाज, कै टमाटर। तो उन्हीं के सामने मैंने उनकी मात्रा का एग्जांपल दिया है। जैसे मैंने कै के सामने आ की मात्रा लगाई है, ख के सामने ई की मात्रा लगाई है, ग के सामने आ का डंडा लगाया है, फिर ज में मैंने जी बड़ी की मात्रा, ट में मैंने छोटी की मात्रा। तो इससे क्या होगा, बच्चों को ये अंतर समझ में आएगा कि ये जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन पे हम मात्राएं लगाते हैं, और जो स्वर होते हैं स्वर की ही मात्राओं को हम व्यंजन पे लगाते हैं। उसके बाद आता है मैंने एक एक्टिविटीज़ भी बनाई है इसमें यूकेजी के लिए। जैसे सबसे पहले इसमें एक्टिविटी है एक दो वर्णों वाले शब्द। बीच में मैंने एक शब्द अक्षर लिखा हुआ है और चारों तरफ भी मैंने कुछ अक्षर लिख दिए गए हैं, तो इनको जोड़कर बच्चा अक्षर बनाना सीखेगा। जैसे अ ब अप, क ब कप, ज ब जब, ट ब टब, त ब तब। उसके बाद आता है दो अक्षरों को जोड़कर लिखो। मैंने यहाँ पे कुछ इसमें फ्लावर्स बनाए हैं, फ्लावर के अंदर मैंने अक्षर लिख दिए हैं, जैसे क प्लस ल, क ल कल, ह बनाया है फिर उसमें प्लस फिर ल, ह प्लस ल हल। तो इस तरह की एक्टिविटी भी बच्चों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है कि बच्चा किस तरीके से उन्हें जोड़कर लिखेगा। उसके बाद आता है इसमें भिन्न शब्दों को छांटकर गोला बनाओ। जैसे मैंने एक अक्षर यहाँ पे बता दिया है कि ल, जो सब जिसके पीछे सबसे जो शब्द मैंने इस पेड़ के अंदर बनाए हैं जिसमें पीछे ल आ रहा है वो हमारे कॉमन शब्द हो गए, और जिनके पीछे ल नहीं है वो हमारा भिन्न शब्द हो गया। तो बच्चा क्या करेगा, उसमें से जो भिन्न शब्द हैं ल को छोड़कर उन सब पर गोला लगाएगा। तो इससे क्या होता है, बच्चे की एक तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, और बच्चे को ये अंतर भी समझ में आ जाता है कि जो हम बोल रहे हैं पीछे वाला जो अक्षर की जो आवाज़ आ रही है, जैसे जल, हल, कल, कब, बस, तो इसमें जो अक्षर है किसकी कौन सी साउंड है, और वो उसके तरीके से भी उसको आसानी से समझ सकता है। इसमें मैंने पेड़ का चित्र बनाया है। आप इसमें कुछ और भी पिक्चर बना सकते हैं, कोई भी पेड़ ले लिया, या फिश ले ली, या मछली ले ली इस तरीके से, या आप कोई फल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर आप यूज़ कर सकते हैं। अगली एक्टिविटी है इसमें मिलते जुलते शब्द अलग लिखो। इसमें क्या है, जैसे उसमें था कि भिन्न शब्दों को लिखा था, इसमें मिलते जुलते छाटेगा बच्चा। जैसे यहाँ पे मैंने फिश बनाकर उसमें शब्द लिख दिए हैं कुछ, यहाँ पे फर, बस, कस, रस, हल, थल, दस, नल। अब इसमें से जिसकी स की आवाज़ आ रही है वो हमारे अलग शब्द हो गए, जिसमें ल की आवाज़ आ रही है वो हमारे अलग शब्द हो गए।
तो बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी भी आप दे सकते हैं, तो उससे भी ये बच्चा जो है अंतर समझना सीखता है कि जिसमें क्या आवाज़ आ रही है और किस तरीके से हम उनको अलग अलग लिखेंगे। उसके बाद आता है चित्र देखकर अक्षर लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चित्र बनाए हैं, ये तो सबसे ज़्यादा आसान एक्टिविटी होती है, बच्चे सबसे ज़्यादा इसी को करते हैं नर्सरी से। नर्सरी में भी इसको कराया जाता है, LKG में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पर उनमें अक्षर लिखा जाता है, यहाँ पर बच्चा शब्द लिखेगा पूरा। जैसे यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है जग की, तो यहाँ पे वो जय गय जग जग लिखेगा, दै से दस दस, ये टब की तरह बनाया है मैंने, तो टै बै टब, है ले हल। तो इस तरीके से बच्चे को पिक्चर के साथ चित्र के साथ भी आप एक एक्टिविटी करा सकते हैं। उसके बाद एक और एक्टिविटी आती है, शब्द पूरा करो। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स बनाकर उसके अंदर अक्षर लिख दिया है, बच्चा उन अक्षर को जोड़कर जहाँ पे मैंने डैश बनाया है वहाँ पर उसको पूरा फिल करेगा। जैसे ज ल जल, ज ब जब, ज न जल। तो ये एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे इंटरेस्ट के साथ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी कलरफुल बनाई है। कलरफुल से क्या होता है कि बच्चे थोड़ा उसको इंटरेस्ट के साथ करते हैं। इस एक्टिविटी को बच्चों को आप उल्टा करके भी दे सकते हैं। जैसे शुरू में आप शब्द लिख दीजिए, उसके बाद बच्चा उनके अक्षरों को अलग अलग करके लिखेगा। पर स्टार्टिंग में आप इसको इसी तरीके से दीजिए, क्योंकि बच्चा जो है बहुत जल्दी कंफ्यूज भी हो जाता है। पहले जो है बच्चे ने इसी तरीके से एक्टिविटी में शब्दों को जोड़ना सीखा था, और उसके बाद उसको वो अलग अलग करके देखेगा। और जब बच्चा पूरी तरीके से वो शब्द बनाना सीख जाएगा, उसके बाद आप इसको उल्टा करके दीजिए। उसके बाद लास्ट एक्टिविटी आती है, पढ़ो और लिखो। तो इसमें मैंने क्या किया है, दो अक्षर वाले शब्द लिख दिए हैं, घर घर, चल चल, लड़ लड़, मत मत, घर चल लड़ मत, घर घर, पर पर, पढ़ पढ़, घर पर पढ़। तो इस एक्टिविटी से क्या होता है कि दो अक्षर वाले शब्द जब बच्चा पहले तोड़ तोड़ कर पढ़ेगा, फिर उन्हें जोड़ कर पढ़ेगा, तो उससे क्या होता है, उनको एक तो पढ़ना आता है, फिर उसी जो शब्द उसने आज पढ़े उन्हीं को फिर वो लिख कर देखेगा। तो उससे क्या होता है, पहले तो उसे पढ़ना आ जाएगा, और उसी को जब लिखेगा तो उसको अंतर भी पता चलेगा लिखने में कि कौन सा अक्षर कैसे लिखा जाता है और उसको कैसे बोला जाता है। तो उससे क्या होता है, उस बच्चे को पढ़ने जो अक्षर होते हैं उनकी पहचान भी होती है। और ये एक्टिविटी आप बुक से भी करा सकते हैं, जैसे बुक में भी ये शब्द दिए हुए होते हैं, तो बच्चों को आप पहले बुक से रीडिंग कराइए, फिर उनको लिखने के लिए दीजिए।